2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे विप्लैश इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई थी मेरी गर्दन में। लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, कोई कॉलर की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। बेसिकली मैं यहाँ की शोर सेल ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक की स्टाफ हूँ और मेरा नाम सैयदा सबीला जैदी है। मैंने अपने PRP के 3 सेशंस करवाए अपने एक्सीडेंट के बाद। आई वॉज अनएबल टू मूव माई नेक, बहुत मुश्किल होती थी, काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते थे मुझे और हाथ मेरे सुन हो जाते थे, जो यूजुअली नेक इंजरी में होता है। फिर मैंने जो सबका मैं देखती थी, यहाँ पे PRP के ज़रिए इलाज होता है, स्टेम सेल्स के ज़रिए इलाज होता है, तो मैंने ये स्टेम सेल्स PRP ख़ुद अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाया। और ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि बहुत सारे लोग ये बात से कन्फ्यूज रहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो एक मैं आपके सामने एज एन एग्जाम्पल बैठी हूँ कि मैंने एज ए स्टाफ ख़ुद अपना ये प्रोसीजर करवाया है और 3 सेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे किसी मेडिसिन की नीड है, ना मुझे अब कोई चक्कर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेक दोनों साइड बहुत अच्छे से मूव करती है और काफ़ी बेहतरी हुई है।